right? So see, z is given, and x is all x y also given. So using this z derivative with respect to u, we got this one. Z with respect to x and x u, and z y u. So x का derivative with respect to u लिए, तो v का derivative constant, v constant है, तो ये zero हो गया. eu का eu है जितना. y का with respect to u जब ले रहे हैं, तो यहाँ भी ये वाली term zero. e raised to minus u का minus e raised to minus u. Same manner में जब x का with respect to v लेंगे, तो ये वाली term zero हो जाएगी और e raised to minus v का derivative minus e raised to minus v. और y का derivative with respect to b जब लेंगे, तो ये e raised to minus u zero minus की term है it is e raised to v का derivative e raised to v. Now what we have to do, we have to just take the difference of these two. तो ये दोनों का difference left hand side means ये दोनों का difference. तो ले लो देन दोनों का डिफरेंस, और जो चीज कॉमन है वो ले लेगा. dz by dou x दोनों के पास कॉमन है और dz by dou y दोनों के पास कॉमन. सो लेट अस टेक द डिफरेंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. क्या आएगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस लेंगे तो dz by dou x माइनस दिस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया. दोनों के पास से dz by dou x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, e raised to u minus plus e raised to minus v. और ये वाली टर्म और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे. सो डो जेड बाय डो वाई दोनों के पास से कॉमन ले लेंगे, ये दोनों टर्म के पास से, तो क्या बचेगा, माइनस ई रेस टू माइनस यू प्लस ई रेस टू वी. तो दोनों के पास से माइनस भी कॉमन ले लेंगे, सो वी विल गेट द टर्म लाइक दिस, राइट. एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस ई इज नथिंग बट एक्स. और ये दोनों के पास से माइनस कॉमन लिए हमने, तो माइनस ई रेस टू माइनस यू, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ई रेस टू माइनस यू माइनस ई रेस टू वी. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस, दिस इज नथिंग बट वाई. सो दिस टोटल ब्रैकेट इज एक्स एंड दिस टोटल ब्रैकेट इज वाई. सो दिस इज व्हाट, एक्स डो जेड बाय डो एक्स माइनस वाई डो जेड बाय डो वाई, व्हिच इज राइट हैंड साइड. सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड वी गॉट दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. बट समझ में आ गई, इसके कोई स्टेप में कंफ्यूजन है. सी z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और जब हमने लिया तो v को कांस्टेंट रखा, और ये dz by dou x as it is क्यों रखे, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है. dz by dou x as it is विद रिस्पेक्ट टू u जब ले रहे हैं तो v कांस्टेंट है, तो cos v as it is e raise to u का डेरिवेटिव. यहां पर भी y का डेरिवेटिव जब ले रहे हैं तो v कांस्टेंट है, e raise to u का डेरिवेटिव e raise to u. और ये क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हमने यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट कर दिए. x e raise to u cos v x का वैल्यू है और e raise to u sin v यहाँ पे y का है. तो अब जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो सेम u को कांस्टेंट रखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लेंगे. सो दिस विल बी लाइक दिस, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू v वी आर टेकिंग. So this will be like this, derivative of z with respect to x, x with respect to v, z with respect to y, y with respect to v. With respect to v जब ले रहे हैं तो e raise to u as it is cos v का derivative minus sin v, और यहाँ पे y का derivative with respect to v ले रहे हैं e raise to u as it is sin v का derivative cos v. But e raise to u sin v is what, y. ये माइनस एज इट इज, ये y हो जाएगा y dz by dou x, और e raise to u cos v x का वैल्यू तो ये यहाँ पे. अब हमको करना क्या है, y dz by dou u plus x dz by dou v, इसको y से मल्टीप्लाई करना है और इसको x से मल्टीप्लाई करना है और दोनों का एडिशन लेना है. सो जब इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. सो जस्ट मल्टीप्लाई एंड टेक द एडिशन ऑफ दिस, करो लेफ्ट हैंड साइड लो और सॉल्व करो राइट हैंड साइड, मिल रहा है देखो. लाइकवाइज जब जैसे इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो गया, सेम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x dou z by dou v, तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x into y dou z by dou x and this x into x x square. अब ये दोनों को ऐड करना है हमको लेफ्ट हैंड साइड में,
ऐड करना है तो ये एक्स वाई डो जेड बाई डो एक्स और ये माइनस एक दूसरे के अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ये वाली टर्म बचेगी, दोनों के पास डो जेड बाई डो वाई कॉमन है तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट और डो जेड बाई डो वाई नाउ दिस इज वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर डो जेड बाई डो वाई सो एक्स का वैल्यू क्या है ई रेस टू यू कॉस उसका स्क्वायर मतलब ई रेस टू यू कॉस स्क्वायर बी और वाई स्क्वायर मतलब ई रेस टू यू साइन स्क्वायर बी दोनों के पास से क्या कॉमन है ई रेस टू यू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है यस वन सो दैट वी विल सब्स्टिट्यूट एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू सो If we take e raised to 2u outside and put up the value, we get e raised to 2u rho z by rho y. The value. Right? So this we require in the right hand side. e raised to 2u. दोनों के पास से ले लिए तो cos square plus sin square that is one so e raised to 2u into dou z by dou y ठीक है ये समझ में आ गया कौन सी ये वाली लास्ट की स्टेप कि ये वाली हाँ ये x की वैल्यू क्या है पास e raised to u cos v है तो x की पोजीशन पे e raise to u cos v रखेंगे तो उसका स्क्वायर लेना है मतलब e का स्क्वायर e raise to 2u और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर v y की क्या वैल्यू है e raise to u sin v सो e raise to 2u sin दोनों के पास से e raise to 2u कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 सो e raise to 2u दो जेड बाई दो वाई बचेगा सिर्फ एक्स एंड वाई इज अनदर फंक्शन ऑफ ई रेस टू यू कॉस वी ई रेस टू यू साइन यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसमें डायरेक्टली जैसे अगर ये ई रेस टू यू कॉस वी किसका वैल्यू है एक्स का वैल्यू है तो अगर ये ई रेस टू यू कॉस वी यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ई रेस टू यू कॉस वी कॉमा वाई का वैल्यू रख देंगे तो ई रेस टू यू साइन तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे क्या है y माइनस z मतलब एक वेरिएबल z माइनस x मतलब दूसरा वेरिएबल x माइनस y मतलब तीसरा वेरिएबल तो डायरेक्टली उसके वैल्यूज दे दिया इसने तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इनके वैल्यूज एज ए फंक्शन कंसिडर करेंगे कंसिडरिंग s इज इक्वल टू z माइनस x r इज इक्वल टू y माइनस z t इज इक्वल टू x माइनस y तो ये क्या हो जाएगा u is function of r, u is function of s और function of same pattern में यहाँ पे जैसा x y था यहाँ पे r s u तो अब differentiation of u with respect to x करना है तो u with respect to x जैसा हमने यहाँ पे z with respect to u लिए यहाँ पे एक function है variable है उसका differentiation तो ये rule follow करे तो same यहाँ पे u का derivative with respect to r लेना है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स लेना है तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस यू विद रिस्पेक्ट टू एस एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स लाइकवाइज चेन रूल तीनों पे अप्लाई करो पहले फॉर्मूला बोलो मुझे उसके बाद वाली टर्म बाद में देखें इन आर देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स सो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा इसका इसके अंदर एक्स की टर्म है एक z का डेरिवेटिव जीरो इसका माइनस वन और t के अंदर x की एक टर्म है y का डेरिवेटिव जीरो वन सो ये जीरो और ये क्या बचा माइनस डो यू बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो टी दिस इज द फर्स्ट टर्म सेम पैटर्न में डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करो आपको सेम आंसर मिल जाएगा डो यू बाई डो y सेम पैटर्न में विथ रेस्पेक्ट टू आर वाई विथ रेस्पेक्ट टू एस वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी वाई सेम रूल्स कंपोजिशन रूल आर के अंदर वाई की टर्म है वाई का डेरिवेटिव वन जेड का डेरिवेटिव जीरो एस के अंदर वाई की टर्म नहीं है सो डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी जीरो
टी के अंदर है वाई की टर्म, सो एक्स का डेरिवेटिव जीरो, वाई का वन, सो दैट इज माइनस वन. सो दिस इज डो यू बाई डो आर माइनस डो यू बाई डो टी, ये टर्म जीरो होगी. सेम पैटर्न में अगर थर्ड वन u by dou z will be derivative of u with respect to r, with respect to z, s with respect to z, t with respect to z. r का derivative with respect to z लेंगे, z की term है, y का 0, z का derivative minus 1. यहाँ पे z की term है, derivative 1, x 0. और t के अंदर x z की term नहीं है, 0. So this is minus dou u by dou r, dou u by dou x. अब करना क्या है हमको, ये डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो वाई, डो यू बाई डो जेड, तीनों का एडिशन इज इक्वल टू जीरो शो करना है. तो ये तीनों को ऐड कर देंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है देखो, डो यू बाई डो एक्स और इसके ये वाली टर्म. तो ये डो यू बाई डो एक्स, ये डो यू बाई डो एक्स अपोजिट साइन के कैंसिल हो जाएंगे. डो यू बाई डो टी, ये डो यू बाई डो टी अपोजिट साइन के कैंसिल हो जाएंगे. डो यू बाई डो आर, डो यू बाई डो आर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, जीरो. ऑल दिस थ्री टर्म विल गिव अस इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, क्लियर हो गया. सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंशिएशन इन कंपोजिट रूप, सेम यूटिलाइज करके डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो वाई, डो यू बाई डो जेड इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है. इसको आर, इसको एस, इसको टी कंसिडर करो और फाइंड आउट करो. y minus x divided by xy for this example, u is function of this and this. So, इसको r consider कर लेंगे, इसको s consider कर लेंगे. So, this is what r. अब r हमको differentiate करना रहता है x और y से और z से. इसलिए अगर independent रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है. इसलिए हम इसको simplify करें. y minus x divided by xy, तो yy cancel, x 1 by x और यहाँ से xx cancel 1 by 1. एस भी क्या हो जाएगा, जेड बाय जेड एक्स, मतलब वन बाय जेड जेड कैंसिल, एक्स यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, वन बाय जेड. तो अब जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो जब हमको इजी जाएगा. व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू शो दैट डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, एडिंग दिस विद दिस मल्टीपल इज इक्वल टू जेड. तो पहले हम ये तीनों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे. सिमिलर है, यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू आर, फिर आर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लाइकवाइज फॉर द रिमेनिंग यू एंड वी. डेरिवेटिव ऑफ यू फर्स्ट क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर. सो उसको यूटिलाइज करके फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, दो ही फंक्शन है हमारे पास, यू इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आर एंड एक्स. सो दिस विल बी लाइक दिस, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स मींस विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू एस. So this is r का derivative with respect to x लेंगे तो 1 by x minus 1 by x square, और y के अंदर x नहीं है तो that is 0. s के अंदर भी x की term क्या है, minus 1 by x square, तो 1 by z 0. दोनों के पास है minus 1 by x square, common भी ले सकते हैं या फिर keep this as it is. Now do u by do y same pattern में टर्म बचाओ, ये x square common, इधर आके x square dou u by dou x minus ये dou u by dou r minus dou u by dou x. ये होगी फर्स्ट टर्म, डायरेक्ट मिल गई हमको यहाँ पे, हर केस में नहीं मिलेगी ऐसे जल्दी, लेकिन यहाँ पे मिल गई. सेम पैटर्न में y square भी वैसे ही मिल जाएगा, del z square भी वैसे ही मिल जाएगा. सेकंड और थर्ड टर्म करो, सेम पैटर्न में विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब लेंगे तो आर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस वन बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा.
यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस वन बाय वाई स्क्वायर हो गया। एस के अंदर वाई की टर्म है जीरो, सो वन बाय वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर आके वाई स्क्वायर दो यू बाय दो वाई होगा। और सेम दो यू बाय दो जेड जब लेंगे तो इसके अंदर जेड की टर्म नहीं है सो जीरो, और एस के अंदर जेड की टर्म है तो वन बाय जेड का डेरिवेटिव माइनस वन बाय जेड स्क्वायर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो वन बाय जेड स्क्वायर डो यू बाय डो एस। सो ये जेड को इधर लेकर आएंगे तो जेड स्क्वायर डो यू बाय डो जेड। अब ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फर्स्ट टर्म तीनों को ऐड करना है, सो सी माइनस डो यू बाय डो आर, और ये क्या है वाई स्क्वायर डो यू बाय डो आर, ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस डो यू बाय डो एस एंड दिस डो यू बाय डो एस दिस विल गेट कैंसिल। सो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है तीनों को ऐड कर देंगे, सो वी आर गेटिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, for f of x square plus 2iz y square plus 2xz find the value of this is equals to this, take this as exercise.